आज की वीडियो तो सभी के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो हमारी होगी ग्रामर पर मबनी, जहाँ से सभी एग्जाम्स में ग्रामर पूछा जाता है। हमने यहाँ तक कंटिन्यू किया था, 25 कर दिया है, सारे ही अजबाक हमारे हो गए। अब हम देखेंगे अजबाक के बाद हम इसका ग्रामर देख लेते हैं। 5th क्लास में ग्रामर की क्या क्या चीजें पूछी हुई हैं। 5th क्लास के बच्चे छोटे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ग्रामर को डिटेल्स में नहीं दिया हुआ होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत समझाया हुआ होता है। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स में डिटेल पूछता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा। यहाँ पे 5th क्लास में देखिए ज़ैल के जुमले गौर से पढ़ना है। एक है हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का में पैदा हुए, वो कपड़े की तिजारत करते थे। इसके बाद है हजरत मोहम्मद सल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। आप सल्लम ने हजरत अबू बकर को अपने सफर का साथी चुना। तीसरा जुमला है अबू बकर तुमने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, इनके लिए अल्लाह और उसका रसूल काफी है। इन जुमलों में वो हजरत अबू बकर के लिए और आप सल्लम के लिए तुम अबू बकर के लिए आया, इन घर वालों के लिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज हैं, और ये तमाम अल्फाज इस्म के बदले इस्तेमाल हुए, इन्हें क्या कहेंगे हम, ज़मीर कहेंगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ज़मीर किसे कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जुमले बनाकर बच्चों को बताया हुआ है। ज़मीर यानी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हम ज़मीर कहेंगे आम लैंग्वेज में। तो जैसे यहाँ पे वो आया, आप इनके लिए, ये क्या है, सारे ज़मीर हैं। क्योंकि ये अल्फाज अलग अलग शख्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं, जैसे हजरत अबू बकर के लिए वो, आप सल्लम के लिए आप, और अबू बकर घर वालों के लिए तुम, तो ये क्या है, ज़मीरें शख्सी कहलाते हैं। इसी तरह मैं और हम भी ज़मीरें शख्सी हैं, जो बोलने वाला अपने आप के लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे ज़मीर के ताल्लुक से बताया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं हम इसकी ज़रा सी तफसील। ज़मीर के अकसाम देख लेंगे, किस्में देख लेंगे कौन कौन सी होती हैं। ज़मीर और उसकी किस्में। ज़मीर की तारीफ यानी वो कलमा जो इसमें खास के बदले बोला जाता है उसे इसमें ज़मीर कहते हैं, ज़मीर या इसमें ज़मीर। जैसे यहाँ पे एक बताया हुआ है कि आबिद स्कूल आया, वो एक होनहार तालिबे इल्म है, उसका घर स्कूल से करीब है। आबिद इसमें खास है, यहाँ पे आबिद जो है इसमें खास है, और दोनों जुमलों में वो उसका ये आबिद की जगह इस्तेमाल किए गए हैं अल्फाज। इन तीनों जगहों पर अगर आबिद ही कहा जाता तो इबारत जो है तो भद्दी और बुरी मालूम होती, और सुनने वालों को भी क्या है, नागवार गुजरता। इसलिए बार बार इसमें खास का इस्तेमाल ना करते हुए उसकी जगह ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं, हम, तुम, वो, तुमको, तेरा, तुम्हारा, मुझे, मेरा, उसका वगैरह, ये क्या है, इसमें ज़मीर है। याद रखें कि उर्दू ज़मायर में तस्कीर और तानियस का इम्तियाज नहीं होता जब तक कि उनका इस्तेमाल फेल के साथ ना हो। अब ज़मीर की किस्में देख लेते हैं, ज़मीर की कौन कौन सी किस्में हैं। तो यहाँ पे है ज़मीर शख्सी, ज़मीर मौसला, ज़मीर इस्तेफामिया, ज़मीर तनकीर और ज़मीर इशारा। तो यहाँ पे इसे तफसील देख लेते हैं। ज़मीर की ये किस्में याद रखें आप, वो ज़मायर जो किसी फर्द या आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाए उसे ज़मीर शख्सी कहेंगे।
और इसमें इसकी ज़मीर शख्सी की भी तीन सूरतें होती हैं। एक है ज़मीर मुतकल्लम, और दूसरा है यहाँ पे ज़मीर हाजिर, और तीसरा है ज़मीर गायब। अब ज़मीर मुतकल्लम क्या होता है, मुतकल्लिम का क्या होता है, ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है देख लेते हैं। बात करने वाला अपने लिए जो ज़मायर इस्तेमाल करता है इसको ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लम वाहिद भी होता है और जमा में भी होता है। वाहिद में जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, ये वाहिद है। हमें, हमको, ये ज़मीरें मुतकल्लम जमा है। मेरा, हमारा, मुझ में, हम से, मुझसे, हम से, इस तरह से। ज़मीरे हाजिर ये जो सामने हो उसे बोलेंगे ज़मीरे हाजिर। बात करने वाला मुतकलिम अपने मुखातिब के लिए जो ज़मायर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीरे हाजिर कहते हैं। इनकी भी दो सूरतें होती हैं, ज़मीरे वाहिद और ज़मीरे हाजिर। वाहिद ज़मीरे हाजिर जमा, तू ये वाहिद हो जाएगा, तुम ये जमा हो जाएगा, तुझको, तुझे, तुमको, तुम्हें, ये जमा में होगा। तेरा ये ज़मीर हाजिर वाहिद होगा, तुम्हारा ये ज़मीर हाजिर जमा होगा, तुझ में ये ज़मीर हाजिर वाहिद होगा, तुम में ज़मीर हाजिर जमा होगा, तुझसे ये होगा वाहिद, और तुमसे यानी ज़मीर हाजिर जमा होगा। गायब यानी जो सामने ना हो, ज़मीर गायब बोलेंगे। वो ज़मायर जो नज़र से दूर रहने वाले यानी गायब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ज़मीर गायब कहते हैं। और इसमें ज़मीर गायब वाहिद भी होता है और ज़मीर गायब जमा भी होता है। वाहिद में देखिए वो, तो जमा में भी वो होगा। इसको, उसे, उनको, उन्हें, उसका, उनका, उसमें, इनमें, उससे, उनसे, इस तरह से। अब दूसरा है यहाँ पे खिस्म ज़मीर की, ज़मीर मौसला। ज़मीर मौसला ज़मीर मौसूला वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो मगर इसके साथ मजीद एक जुमला होता है जिसमें इस्म के बारे में कुछ कहा गया होता है। जैसे वो लड़का जो कल आया था पकड़ा गया, यानी ज़मीर के साथ, इस्म के साथ एक जुमला और होता है ज़मीर की, वो ज़मीर जो इस्म की जगह इस्तेमाल तो होता है मगर साथ में मज़ीद एक जुमला और होता है उसे बोलेंगे ज़मीर मौसूला। डाकू जिसको मैं जानता हूँ बता दूंगा, तुम्हारा दोस्त जो दिमाग में है आ रहा है। उन जुमलों में जो जिसको ज़मायरे मौसूला है, जो जिसको ये कहे ज़मायरे मौसूला है, ये बिलतरतीब अपने से पहले आने वाले इस्म लड़का, डाकू, दोस्त के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ज़मीरे इस्तेफ़ामिया ये जैसे इसे इस्तेफ़ामिया यानी सवाल की शक्ल में होगा, वो ज़मीर जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे ज़मीर इस्तेफ़ामिया कहेंगे। जैसे किसने, कौन, किसको, किससे वगैरह, किसने देखा, कौन गया, किसको बुलाओ वगैरह। अब ज़मीर तनकीर यानी गैर यकीनी चीज़ के लिए इस्तेमाल या शख्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ज़मीर तनकीर कहलाएंगे। जैसे ज़मीर तनकीर वो ज़मीर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आते हैं, ये दो हैं इसमें सिर्फ। ज़मीर तनकीर कौन कौन से है, तो कोई और कुछ, ये दो याद रखिए। आप कौन हैं यहाँ, कोई नहीं, आप क्या खाएंगे, कुछ भी दे दीजिए, तो ज़मीर तनकीर में कोई और कुछ आता है, ये याद रखिए आप। ज़मीर इशारा जैसे ही समझ में आ रहा है, वो ज़मायर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे बोलेंगे ज़मीर इशारा।
जैसे ये खरीदोगे या वो। इसमें ये वो इशारे के लिए है, ये खरीद के लिए है, वो दूर की चीजों के लिए इशारा करने के लिए बोला जाता है।